सो ये है मस्जिद, आप देख रहे हो है ना। रात मक्का मदीना में नसीब कराया। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, प्लीज बोलिए आमीन सुम्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। दोनों भाई एकदम तैयार हैं ईदगाह जाने के लिए। फर्स्ट टाइम जिंदगी में ईद की नमाज पढ़ेंगे और देखेंगे कि ईद की नमाज कैसे होती है। उसके साथ साथ हम आपको यहाँ की ईदगाह भी दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बस अभी 8 बज गए, बस 8:30 का टाइम दिया था उन्होंने। चलो बाइक पे जाने वाले हैं। So guys, अभी हम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा बंदोबस्त है, देखिए पुलिसों का बंदोबस्त, पुलिस विल्स पूरी खड़ी है इधर अच्छे से। ज़बरदस्त सीन होने वाला आज। So ये है मस्जिद, आप देख रहे हो है ना, जहाँ पे हमने कल नमाज पढ़ी थी। और यहाँ पे ग्राउंड में होने वाला है आज। ईद की नमाज हो चुकी है अभी, एंड अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। अलग लेवल सीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बाइक की तरफ जा रहे हैं। سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا هدى يا صاحي كي تستريح। घर पे आ चुके हैं, पूरी रात मैंने काम किया, 1.5 घंटा सोया हूँ मैं सुबह से, 1.5 घंटा। बट गुसल करना था, परफ्यूम लगाना था, खजूर खाना भूल गया यार। खजूर नमाज पढ़ते टाइम भी मेरे से एक गलती होगी भाई। क्या? जो दूसरी रकात थी ना उसमें 3 बार अल्लाह अकबर कहते हैं, मुझे लगा पहली रकात नहीं कहते हैं। हाँ। दूसरी रकात में अल्लाह अकबर कह के मैं नीचे झुकने झुक रहा था मैं। इतना टेंशन हो गया मेरे को। गाइस अभी मैं थोड़ा शूट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, मैं पूरी रात से ना, पूरा रात मैंने सुबह 5:30 बजे सोया मैं फजर की नमाज पढ़ के। पूरी रात ऑब्वियसली मेरा ऑफिस था, काम किया, 5:30 बजे सोया, 7 बजे उठ गया। कितना घर मन, 1.5 घंटा सोया, 1.5 घंटा सोया, 7 बजे भी उठ नहीं पाया। फिर 7:10 को उठा, अलार्म भी लगाया था 7:01, 7:02, 7:03, 7:04, 7:05, 7:08, 7:09, 7:10, 22, 7:10 अलार्म लगाया। मैं बोला भाई नमाज पढ़ने जाने का आज ईद की, पहली बार जिंदगी में। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था भाई ये नमाज नहीं छोड़ने का,
क्योंकि देखो मैं नमाज तो वैसे नहीं छोड़ता, और कल वाले व्लॉग में मैंने बोला था जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ी, वो मैंने जुम्मे की बोला था, मस्जिद जाके जुम्मे की नमाज पढ़ी। घर पे मैं डेली पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, पर घर पे पढ़ता हूँ, मस्जिद में पहली बार पढ़ी, वो भी जुम्मे की नमाज। अभी इंशाल्लाह कभी हम जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं, और अभी थोड़ा सा शूट करेंगे, थोड़ा मेरी आंखें भी ऐसे मुरझाई हुई हैं, उसके बाद 2 घंटा सोएंगे, फिर उसके बाद फिर से तैयार होके शूट करके ईद मनाने जाएंगे एमजी रोड। सो जस्ट बी विद अस। अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स लेटर। सो गाइस हम तैयार हो चुके हैं, देखिए पठानी बिठानी मस्त पहनी है, थोड़ा सा सीढ़ियों में शूट किया, लॉबी में शूट किया, बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, कुर्ता उड़ रहा है, पीछे का कुर्ता ऊपर नीचे, भाई अलग ही लेवल हो रहा है। आज मुझे इतना अच्छा फोटो वीडियो बनाना था, बट पूरा सत्यानाश हो गया, बट कोई बात नहीं, हम ऐसी कोई जगह देखेंगे जहाँ पे हवा नहीं चल रही, आई विश। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं सुबह ईदगाह गया था, पहली बार ज़िंदगी में ईदगाह का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, और मुझे नहीं पता था कि ईदगाह होता है, ठीक है, क्योंकि ईद के टाइम पे ईदगाह होता है, क्योंकि जहाँ पे सारे बंदे इकट्ठे होते हैं, एंड वो मस्जिद में नहीं होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं इस चीज़ में गलत हूँ तो ज़रूर बताइएगा, ऐसा मुझे समझ आया। और दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे भाई मतलब वागोली का जामा मस्जिद था ये, ठीक है, और वहाँ पे भाई मतलब मेरे हिसाब से 1000 तो बंदा होगा भाई, 1000-2000 तो आराम से होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, मतलब पूरा भरा हुआ था, आपने देखा अगर वीडियो में स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। और उसके साथ साथ वहाँ पे शिवसेना के भाई प्रेसिडेंट वगैरह, मतलब क्लास यार, मतलब हिंदू मुसलमान का कोई सीन नहीं है वहाँ पे, मतलब जो आपको ये मीडिया में दिखाते हैं ना ये सब झूठे, भूल जाओ उसको, कोई सीन है ही नहीं। वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स थे ना वो खिदमत कर रहे थे, मतलब हमने खुद अपनी आंखों से देखा, और बहुत प्यार था भाई, बहुत प्यार। उन्होंने भाईचारे की बात की, सबसे बेहतरीन बात, और उन्होंने बोला भी कि भाई दूसरी चीज़ों पे ध्यान मत दो, भाईचारे पे ध्यान दो, हमारा जो ये इलाका है ये सबसे सेफेस्ट इलाका है, सबसे बेस्ट इलाका है, यहाँ पे सारे लोग मिल के रहते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और वैसा ही होना चाहिए। उन्होंने एक अच्छी चीज़ बोली है, बहुत अच्छा लगा मुझे सच में, सच में। एंड सबको अपना अपना अधिकार है यार कि अपना अपना रिलीजन उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये संविधान इंडिया का, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो इस चीज़ की परमिशन देता है, तो कोई इंसान कौन होता है इस चीज़ पे उंगली उठाने वाला, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ कुछ लोग यार, चंद लोग हैं, 0.001% होंगे लोग ऐसे जो लोग ऐसे कुछ भी गलत चीज़ें करते हैं, तो उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, अच्छाई की तरफ देखो, बुराई तो थोड़ी सी है, अच्छाई बहुत बड़ी है यार। Minutes later. ये आ गए भाई Phoenix Mall में। Phoenix Mall. And inshallah ताला यहाँ पे हम अभी भाई इधर शूट हो जाए बस। Phoenix Mall के पहली बार मैं स्टार्टिंग से घुस रहा हूँ। ये तो हमेशा पीछे से हम पीछे से आते हैं। जाते हैं। सामने जाने का बात। ओए भाई क्या है? भाई यहाँ से जान। इधर तो लाइन बड़ी लगी हुई। एक काम करें क्या? हाँ। मतलब मैं क्या बोल रहा? इधर ऐसे अभी इतना टाइम लगाएंगे ये लोग। तो इधर ही रुक के फोटो भी खींच लो। हेलो भाई लोग। अरे हाँ ये वीआईपी लोग होते ना इधर बीच में रुकते हैं अपने ड्राइवर के साथ। हाँ। लोग इनको रुकाते इधर। हाँ, राइट राइट राइट। समझ गए क्या? इधर से एंट्री लेते ना वो वीआईपी लोग, तो ड्राइवर लोग क्या रुकते हैं इसलिए इधर भीड़ है, और इतना कुछ ज्यादा भीड़ भीड़ नहीं है भाई, ठीक ही है। गाड़ी पहाड़ पर चढ़ा दिए है, अब देखना है क्या करेंगे भाई यार। मेरा ना एक्चुअली मेरा भी फंक्शन है अभी नेक्स्ट मंथ, तो मुझे ब्लेजर लेना है, तो इसलिए मैं सोचा चलो आज इधर आए हैं तो इधर ब्लेजर वगैरह ले लेंगे। चलो ले भाई इधर रख दे अंदर। ओ भाई भाई का हॉर्न है, ले बस इधर भाई का खींचती है, खींचती नहीं खिंचाते हैं हम। चलिए अभी हम आ गए यहां पर। Then I'll do
سبيل الدموع سبيل مريح زاد هدايا صبري تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعد गाइज अभी हम यहाँ पे फूड कोर्ट में बैठे हैं वेट कर रहे हैं छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं तो अभी छोले भटूरे खा के टेस्ट करके बताएंगे कैसे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत भूख लग रही है मेरे को, तो लेट्स सी। 5 मिनट्स लेटर हमारा भाई आ रहा है भटूरे लेके, बड़े बड़े भटूरे दो दो। और क्या बात है भाई, ये इतनी सब्जी दिखती है बस, इसके साथ क्या होगा? अभी कटोरी भर के उन्होंने पूछा नहीं कि और नहीं दे सकता था भाई, इतने से क्या होगा मेरा। अरे बेइज्जती थोड़ी, इधर क्या है ए, इतनी सी सब्जी में क्या होने वाला है हम दोनों का। बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। सो गाइस अभी भटूरा ट्राई करेंगे यहाँ पे, नींबू को डालेंगे प्याज के ऊपर। हाय 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 हाय, यहाँ पे लेंगे टुकड़ा। बिस्मिल्लाह। कैसा है? अच्छा, तू आगे देख। बाइट तो गाइज अभी ये खत्म करके मिलते हैं आपको, ठीक है जी। 5 मिनट्स लेटर तो गाइज यहाँ पे हमने पूरा भटूरे दोनों के दोनों खत्म कर दिए और मजा आ गया है सच में, है ना? हाँ, अच्छा थे, स्वाद आ गया। और अभी जाएंगे कुछ और भी खाते पीते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो गाइज वापस हम जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लेने। बहुत घूम लिया हमने, खा पी भी लिया। और ब्लेजर लेना था भाई को बट पसंद नहीं आया यार, चलते हैं अभी पार्किंग में गाड़ी लेने। चलो चलो गाइज फिर से जाते हैं घर पे, अभी भाई गाड़ी निकालेंगे। चलो चलो भाई, आज तो हमने कुछ भी नहीं किया सच में, सोचा था वो नहीं हुआ, खा पी के आ गए बस। हाँ, खा पी के क्या, एक छोले का भटूरा खाया वो भी 250 रुपए का था, बट हाँ अच्छा था, ऐसा नहीं है कि खराब, टेस्टी था वो, टेस्टी छोले टेस्टी थे, भटूरा भी अच्छा था, भटूरा अच्छा था। 250 रुपया पैसा वसूल, पेट भर गया ना, भर गया पेट। एक चीज का दुख है, वीडियो नहीं बना पाया, एक यही चीज का दुख है बस। और तो गूगल पे फोन पे, चलो हो गया, चलो। गाइस कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे गाड़ी भी पार्क हो जाए और जहाँ पे कुछ खा भी ले हम, और जहाँ पे हमारा सारा काम हो जाए। कुछ प्यास सी लग रही है भाई। हाँ, प्यास लग रही है, प्यास सी लग रही है, थोड़ी 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 भूख है बस, प्यास लगनी है। हाँ, थोड़ी भूख भी है क्योंकि दो भटूरों से क्या होता है, दो घट्टे घट्टे नौजवानों का है। ऐसा भी नहीं कि हमने मुर्गा विर्गा खाया, चने खाए हैं, बस ये पता नहीं क्या है, वो किसी का ब्याह है लगता है ना, ब्याह कोई फंक्शन है लगता है। अरे भाई में आ रहा है भाई, ए भाई लाइट लाइट, हाय ए भाई डीजे चला दी इन्होंने, आंखों में आ रहा भाई। सो गाइस यहां से जूस वगैरह लेके आते हैं पीने के लिए। हाँ चलो ठीक है, बस चलो भाई यहां से कुछ हम लोग ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, जूस जास पीने को। ट्राई करते हैं अभी ये रोज़ जो इन्होंने बोला था, रोज़ वाला है। हाँ, इसमें मैं कुल्फी भी डाली थी। हाँ
कैसा है? रबड़ी भी है। मीठा है? स्वाद है? तो गाइस अभी ये दूसरा भी लेके आ गए, इसका नाम राजभोग है। इसमें इन्होंने पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ डाले। कैसा है? पिस्ता का टेस्ट आ रहा है। सेकंड वाला बहुत पिस्ता डाला इसमें। हाँ सो गाइस आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाते हैं। देखो भाई साहब, चांद तो देखो, चांद नजर आ देखो। अभी घर पे वापस जा रहे हैं, सेम यही कुर्ता पैजामा पहन के, पठानी नहीं पहना हुआ, इतना बेहतरीन। आज अगर हवा नहीं चल रही होती ना तो तुम्हारे भाई ने ऐसा फोटो रील आती ऐसी रील बनानी थी ना हम दोनों ने मिलके, क्योंकि हम दोनों भाई आपको एक बात बताता हूँ, हम दोनों ना जा रहे भाई मतलब पूरे मॉल में, और दोनों ने सेम पजामा कुर्ता पहना है, सेम टू सेम, टखनों से ऊपर, ठीक है, एकदम पठानी, एकदम बढ़िया वाला, और नीचे नाइकी के शूज, जॉर्डन भाई, मतलब नीचे शूज पहने अच्छे वाले, और एकदम देसी प्लस इंग्लिश कॉम्बिनेशन है हाँ। मजेदार भाई, सब देख रहे ना, पहले नीचे देखते फिर ऊपर देखते, हाँ पहले नीचे देखते फिर ऊपर देखते, मॉल की आंखों को देख रहे क्या चल रहा है इनका, ठीक है भाई हम मतलब कुर्ता पजामा पहना हमने यार, देसी बंदे ऐसे थोड़ी चलते हैं भाई, रैक थोड़ी है, मैं तो मजा आ गया भाई मेरे को तो। आप सोचो लोग सोचते हैं कुर्ता पजामा क्यों पहनना है, पठानी क्यों पहनना है, ये वो, भाई लोगों की आंखें नहीं रुक रही थी, क्या बोलूं मैं, लोग ऐसा बार बार ऐसा मुड़ मुड़ के देख रहे थे कौन है ये लोग, सच में ये दोनों साथ में सेम सेम कपड़े पहने हुए और ऐसे पठानी में मस्त एकदम, क्योंकि पठानी एकदम प्रॉपर पठानी है ना ये, ऐसा वैसा नहीं, प्रॉपर है भाई, फोटो देखोगे तो समझ आएंगी तुमको, बताना मेरे को कैसा लगा, अच्छा है कि नहीं है, अच्छा नहीं है तो बताना इसमें क्या बेहतरी करी जा सकती है, तो उस हिसाब से फिर सिलवाएं, सिलवाया तो नहीं है, रेडीमेड है, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है, नमाज पढ़नी है मुझे मगरिब की, टाइम पे पहुंच जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगरिब की नमाज हो जाएगी, फिर उसके बाद ईशा की भी पढ़ लेंगे एंड फिर सेवैयाँ खाएंगे, शीर कोरमा, ओए होए होए होए, लास्ट ईयर भी मम्मा ने बनाया था, इस ईयर भी बनाएंगे, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज हमने अभी जो पिया आपने देखा 250 रुपए में दो गिलास, 250 नहीं 220 120 का एक था, 100 रुपए का एक था, बट ठीक ठीक था, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत बेहतरीन, मतलब हाँ। मजा आ गया ऐसा वाला सीन नहीं, एवरेज था एक्चुअली, मैं वहां पे जूस देखने गया था कि जूस मिल जाए, बट जूस ना पीछे वाली दुकान में था, बट मैं अभी उधर चला गया ना तो मैंने सोचा अभी उनको पूछ लिया तो ऐसे उधर से ही ले लेते हैं जो भी है, और टाइम भी हो रहा है, हमको नमाज भी पढ़नी घर पे है ना, 7:40 हो रहे हैं, इसलिए बस और कुछ नहीं। अरे भाई एक चीज तो बताना ही भूल गया मैं, हमें वहाँ पे भी सब्सक्राइबर मिले मॉल में, मॉल के बीच में ही मेरे को बुलाया भाई, भाई ने पीछे से आके भाई बोले भाई आपके साथ फोटो लेनी है, मैं डर गया, मैं बोला क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, वो इतने प्यार से बोल रहा है भाई भाई क्या बात है, हम आपकी सब वीडियोस देखते हैं, आप जिधर जिधर जाते हो, उन्होंने सब बताया, तो अगर वो वीडियो देख रही है आई थिंक वो भी वीडियो में आए होंगे फॉर श्योर, हरमन ने वीडियो ली थी आई थिंक, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने हमें इतना प्यार दिया है ना, तो उसके लिए तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड हम ज़रूर कोशिश करेंगे और बेहतरीन ब्लॉग बनाने की, थोड़ी सी हमारी कमियां जो हैं वो सुधारेंगे इंशाल्लाह ताला, एंड आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को सुधारेगा, बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ईद मुबारक सबको, भी रमज़ान ख़त्म हो चुका है बट 30 दिन जो आपने आदत लगाई है नमाज की, तो उस नमाज की आदत को छोड़िएगा मत, और ऐसा मत करिए कि भाई अभी रमज़ान ख़त्म हो गया तो अभी जितने भी बुरे काम आपने बंद किए थे रमज़ान में वो सारे दोबारा से स्टार्ट कर दें, नहीं 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 नो, सारे के सारे बुरे काम बंद रखने हैं और ऐसे ही पूरा साल गुजार रहे हैं अगले रमज़ान तक, एंड अल्लाह ताला हमें अगला रमज़ान भी नसीब कराए और लैलतुल कदर की रात नसीब कराए इंशाअल्लाह, और लैलतुल कदर की रात मक्का मदीना में नसीब कराए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, प्लीज बोलिए आमीन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।